हेलो नमस्कार, मेरा नाम है जयंत राय और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था। पार्ट 2 इज टेलिंग अबाउट द सिटीजनशिप। ठीक है, सो वेयर फ्रॉम वेयर वी अडॉप्टेड द सिटीजनशिप। तो हमने सिटीजनशिप कहाँ से अडॉप्ट किया? सिटीजनशिप हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश से। ठीक है, ब्रिटेन से। और हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलता है, ये याद रखना। सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप इंडिया के ही नागरिक हो। ठीक है, किसी किसी कहीं कहीं पर दो भी होता है, जैसे USA में ड्यूल सिटीजनशिप होता है। ठीक है, तो वो USA के भी नागरिक होते हैं, अपने स्टेट के भी नागरिक होते हैं। हमने पहले ही बोल लिया था कि जो हमारा इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो ये बोल लिया था हमने। ओके, सो ये क्या है? 5 से लेकर 11 तक है। 5 में क्या है? 5 में इट्स इन आर्टिकल 5 इट इज़ गिवन अबाउट द मेथड ऑफ हाउ कैन यू गेट द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 में दे रखा है कि ये मेथड दे रखा है कि आप सिटीजनशिप कैसे पा सकते हो इंडिया के। तो पहला तो है बाय बर्थ, अगर आप यहीं पर ही जन्म लेते हो तो आप इंडियन का सिटीजनशिप हो। सेकंड है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है कि आगे अगर पूर्वज यहाँ पर थे। ठीक है, जैसे आपके पापा मम्मी अगर बाहर घूमने के लिए गए और वहीं पर ही आपका जन्म हुआ है, तो आपके पापा मम्मी तो इंडियंस थे, तो आप भी इंडियंस ही हो। ठीक है, तो बाय डिसेंट सेकेंड हो गया। थर्ड हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ही अगर आप रहते हो 5 साल तक, फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप रह सकते हो। द फोर्थ वन ही बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है कि अगर आप 10 साल तक हुआ और यहाँ के कल्चर आपने सीख लिया तो भी आप रह सकते हो। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि अगर इंडिया ने कहीं पर अटैक कर दिया और वहाँ का हिस्सा अगर यहाँ पर हो गया तो वहाँ के नागरिक भी यहाँ पर होंगे, इसको होते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे POK हो गया, POK को अगर इंडिया आक्रमण कर देता है और अपने तरफ कर देता तो POK के नागरिक भी क्या होंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आया तो। आर्टिकल 5 इज टेलिंग अबाउट द मेथड ऑफ गेटिंग द इंडियन सिटीजनशिप। देयर आर 5 मेथड, आर्टिकल 5 है, 5 मेथड ऐसे करके याद कर सकते हो। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। आर्टिकल 6 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 इज टेल अबाउट द पीपल आफ्टर द पार्टीशन। जब हमारा पार्टीशन हुआ था, ठीक है, इन 1947, द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, ठीक है, उन वो भी क्या होते हैं? वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, मतलब इंडियन सिटीजनशिप है। कब तक? द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस 19 जुलाई 1947। ठीक है, 19 जुलाई 1947 से पहले पहले जो इंडिया में आया है वो क्या है? इंडियन सिटीजनशिप है। इसी का ही ऑपोजिट है ये आर्टिकल आपका 7। आर्टिकल 7 बोल रहा है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गया, ठीक है, इसका भी एक डेट मेंशन कर रखा है, 1 मार्च 1947। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गया है तो वो क्या है? इंडिया का नागरिक नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में जो है 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखना, उससे पहले पहले अगर आया है तो इंडिया का नागरिक है। 7th में क्या हो रहा है? इंडिया से पाकिस्तान गया है, इसका डेट है 1 मार्च 1947। ठीक है, तो 5, 6, 7 हो गया। 8 इज टेलिंग अबाउट द NRI, जो भी NRI होते हैं, ठीक है, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 8 में बता रखा है। आर्टिकल 9 हमारे बोल रखा है एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन में जाके उनका सिटीजनशिप अगर ले लेते हो, ठीक है, इफ़ यू एक्वायर द फॉरेन स्टेट फॉरेन सिटीजनशिप, देन योर ऑटोमेटिकली योर इंडियन सिटीजनशिप विल बी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, जैसे आपने USA का अगर सिटीजनशिप लिया तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, ये आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 10 इज टेलिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द सिटीजनशिप। आपका जो सिटीजनशिप है, आप जो नागरिक हो, वो चलता ही रहेगा, ये आर्टिकल 10 में दे रखा है। आर्टिकल 11 टेल अस अबाउट द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ इन द सिटीजनशिप। ठीक है, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकते हैं सिटीजनशिप के ऊपर, ये आपका क्या है? और कोई भी चेंजेस अगर द पार्लियामेंट के रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के राइट्स को रेगुलेट कर सकते हैं पार्लियामेंट ही बस। ठीक है, तो ये हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 5 में दे रखा है आपको मैथड टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय इनकॉपरेशन। आर्टिकल 6 टेल होता है कि पाकिस्तान से इंडिया में जो आया है कब? 19 जुलाई 1948 में। और आर्टिकल 7 ये बताता है कि आपका जो भी इंडिया से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 के बाद, तो वो नागरिक नहीं है। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है? द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ NRI।
आर्टिकल 9 में बताया गया है एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर आप फॉरेन के सिटीजन लेते हो तो आप इंडिया के सिटीजनशिप खो दोगे। आर्टिकल 10 बताता है कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, आपके जो सिटीजनशिप वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आर्टिकल जो 11 है वो ये बताता है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ रेगुलेशन ऑन द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकता है इन अकॉर्डिंग्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है, अगर कोई भी चेंज कर सकता है पार्लियामेंट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड में आ जाता है। पार्ट थर्ड में होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को और एक चीज़ बोलते हैं, याद रखना, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ से कितने आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आता है 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है अपने, ठीक है। कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में पढ़ा जाता है, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट दैट आर ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है तो याद रखना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये पांच जो आर्टिकल्स है दे आर ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, बाकी सब फॉरेनर्स के लिए भी हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़े से ही पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 एंड 13। आर्टिकल 12 इज टेलिंग अबाउट द डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है कि ये स्टेट है क्या, जब भी यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे स्टेट, स्टेट वर्ड पढ़ोगे तो स्टेट है क्या, तो स्टेट है मेनली आपका जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ये सब स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड चीज़ हो गया, अब इंडिविजुअल्स भी होते हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन भी होता है, ये भी क्या हो गया आपके स्टेट्स में होता है। ये हो गया आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 इज टेलिंग अबाउट कि व्हाट आर द जो भी परिविधान, ठीक है, मतलब जो भी आपका ये आर्टिकल बनेगा, अगर ये आर्टिकल क्या होता है कि अगर ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो आर्टिकल जो भी आपका लॉ बनेगा वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो जो लॉ होगा वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ये बता रहा है, ठीक है। मेनली ये क्या करता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी देता है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ सेफ्टी वॉल, ठीक है, ये एक सेफ्टी वॉल जैसा है कि जो हमें बताते हैं कि फंडामेंटल राइट आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसके गारंटी देता है आर्टिकल 13, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी अगर हम देखें तो ये आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, पांच इसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 हमें ये बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर ये दो देखेंगे तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटिशर्स से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने किया है यूएसए से। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव टर्म, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। बस अभी तक के लिए इतना ही है, खुदा हाफिज, आदाब, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, सायोनारा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हुर्राए।